मेरे सामने सुसाइड करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहा। एचआईवी के डर से मैं मेरी रतन को भी प्यार कर ना सका और मैं सुसाइड पॉइंट की तरफ चल पड़ा। तुझे बहुत मजा आ रहा होगा ना? ना जी सकता हूं ना मर सकता हूं। ये आइडिया ही बड़ा वाइल्ड है। मैं तो अभी तेरा एक छोटा सा एक चाइल्ड है। ये अमीर आदमी की गरीब औलाद। भगवान आप? हाँ, तेरे पीछे भी एक भगवान है पलट। है? क्या है? क्या मरने आया क्या इधर तू? आपको कैसे पता? अरे जो भी आता है ना मरने के लिए ही जाता है। एक काम कर तू। अरे अरे हाँ, ये नया नंबर है। कल तू इधर चले जाना, इसको जाके मिल, तेरा काम तमाम कर डालेगा। और मैंने गोली दादा को मुझे मारने की सुपारी दे दी। HIV पॉजिटिव? जी दादा, उसके बाद उसकी लाइफ में कभी भी नहीं, सब निगेटिव होता चला गया। इसीलिए उसने अपनी ही सुपारी दी। उसने अपनी सुपारी दी, हमने ली। अब हमको अपना काम करना चाहिए। जी दादा, जी दादा। तीन फुटिया नहीं, छोटा टाइगर दादा। हाँ हाँ, जो भी है तू जा जा, उसको टपका दे। ये ले अपना एडवांस, बाकी बाद में तू चलेगा। जी जी दादा, सब चल। अच्छा सुन, वो पहले ही किस्मत का मारा है, तेरा प्यार से मारना। नहीं दादा, बहुत प्यार से मारूंगा। गोली सीधा सर पे मारूंगा, गोली अंदर, हल्की सी गुदगुदी, भेजा बाहर, थोड़ा सा दर्द होगा, बस बस बस, ऐसे ही मारना। शाबाश। गोली दादा द सुपारी किलर, बहुत बड़ा सुपारी किलर बनता है ना तू। अगर तूने आज मुझे नहीं मारा तो कल मैं तेरी सुपारी दे दूंगा किसी को। अरे नहीं नहीं बेटा, मेरा आदमी तेरे को मारने निकल चुका है, तू टेंशन मत ले, वो मारेगा, बहुत जल्दी तेरे को मारेगा। साला कल का छोकरा मेरे को धमकी देता है, गोली दादा को धमकी देता है, साले को उड़ाई देता हूं। पर उसको क्या उड़ाना, वो तो खुद ही उड़ना चाहता है। ए तीन फुटिया, नहीं 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 नहीं, छो टाई कर। हाँ, एक मिनट, हिल मत, हिल मत, चल मत, चल मत। सॉरी कि माँ की आंख, इतना अच्छा मौका हाथ आया था, वो निकल गया हाथ से, गर्मी लग रही है। सॉरी ना, तेरे चक्कर में रहा ना तो मैं छोटा टाइगर तो क्या, छोटी चूहिया भी नहीं बन पाऊंगा। तू तू यहाँ से आप निकल ले, मेरा भेजा मत खराब कर, चल निकल, चल 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 चल। सुखी अबे देखना इसको, सरदार, अरे पागल हो गया, मार देगा मुझे। अरे हैप्पी हुआ क्या है? श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह।
ओ फर्जी डॉक्टर, तीन उक्का चुपी खेल रहा है, आज ऊपर से नीचे तक पूरा छील देना मैंने तुझे। अरे ये सब क्या चल रहा है? ओए बचा ले यार, नहीं तो ये गाजर मूली की तरह काट देगा मुझे। देख वीरे, तू बीच में ना, इस पैसों के डॉक्टर को ना आज छड़ना नहीं है, मैंने टोटा टोटा कर दिया इसके। हैप्पी, क्या हुआ हैप्पी? वीरे जे अगर तुझे इस भैंसों के डॉक्टर की असलियत पता लगी ना, तो फिर तूने खुद ही मार देना इसको। मगर इसने किया क्या है, बोल। और दास छेती बोल की किताई बोल नहीं दे देनी तेरे अंदर। वो की कर रहा है, टोटा टोटा कर देना तेरे। वो राम, तुझे एड्स की बीमारी नहीं है। और सुन क्या? हाँ यार, वो रिपोर्ट नकली थी। रिपोर्ट नकली थी? अरे क्या बोल रहा है तू? क्यों किया मेरे साथ ऐसा, बोल। मेरे कहने पे। तुम्हारे कहने से? मगर क्यों? इन्होंने जो भी किया है मेरे कहने पे किया। आप ही सोचिए, हमें ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या सोचा था आपने? बिजनेस मीटिंग्स के बहाने आप बाहर रंगरलिया मनाएंगे और हमें पता नहीं चलेगा? क्या करूं? किटी पार्टी वाले दिन आपने मुझसे कहा था कि आप बिजनेस मीटिंग में बिजी हो, एज यूजुअल लेट। अच्छा ये बताओ क्या पियोगी? तुझे तो पता है मेरी पसंद क्या है। कारेट। वहाँ मेरी बहस मेरी दोस्त टीना के साथ हुई। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? शादी होने के बावजूद भी तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलती हो? कितना बड़ा धोखा दे रही हो तुम अपने पति को। तो तू क्या समझती है, पति लोग हमें धोखा नहीं दे सकते? दुनिया की कोई भी औरत ये नहीं कह सकती है कि उसका पति सिर्फ उसका है। मैं कह सकती हूँ मेरा राम सिर्फ मेरा है। सोच लो रतन, जाके देख लो अपने राम को हार्ट टू हार्ट क्लब में, कौन सी मीटिंग किसके साथ कर रहा है। ये सुनकर मुझसे रहा नहीं गया, राम मैं सीधे हार्ट टू हार्ट क्लब में पहुँच गई। असली चेहरा देख लिया। वहां तुम एक नहीं कई लड़कियों के साथ थे राम। मैं बिखर गई, मुझे तुम्हारे बिजनेस मीटिंग्स के बहाने समझ आए। अपने लिए बहुत इजी हो जाएगा राम, कम से कम एटलीस्ट यहाँ मिल तो पाएंगे, नहीं? राम, होल्ड ऑन। मैं फ्रेंड सीख के क्या करूंगी? बेबी, बिजनेस करने के लिए तुम्हें दुनिया की सारी लैंग्वेज आनी चाहिए। अच्छा कल मैं नहीं रहा तो? ऐसी बातें मत करो, ठीक है? मैं फ्रेंड सीखूंगी। हाँ मीटिंग कैंसिल मत करना, मैं आ रहा हूँ। हाँ। मेरे लिए ये बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था राम, पर मैं क्या करती। सुनो, कोई ऐसी यूनिक ज्वेलरी दिखाना। माय जान डिजर्व द बेस्ट। ये कैसा है? बहुत अच्छा। और ये? बेबी। तुम डिजाइन सेलेक्ट करो और मैं बस एक छोटी सी मीटिंग करके आता हूँ। ठीक है। ओके। तुम मुझे बार बार धोखा देते रहे और मैं तुम्हारे प्यार में वो पहचान ना सकी। खाओ भाभी और खाओ। और ये तुम्हारी फेवरेट। हेलो। यहाँ की दाल अच्छी है। अच्छा। हाँ आ रहा हूँ। ओके। बेबी। हाँ? क्या है ना, वो बहुत अर्जेंट मीटिंग है, मुझे जाना पड़ेगा।
पर खाना तो खत्म कर लीजिए, बाद में। पर रोने से क्या फायदा था, कुछ करना जरूरी था जिससे मैं मेरे राम को सही राह पर ला सकूं। क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। रतन रुको, रतन क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं भैया। रतन साफ साफ बताओ बात क्या है। जैसे आप जानते ही नहीं, ये दौलत, ये शोहरत, ये ऐशो आराम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। मैंने राम से सच्चे दिल से प्यार किया था, लेकिन राम की जिंदगी में मेरी या मेरे प्यार की कोई अहमियत नहीं। इतना परेशान मत हो, हम सब ठीक कर लेंगे। कुछ ठीक नहीं हो सकता भैया, सच्चाई ये है कुछ ठीक हो ही नहीं सकता। रतन चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। एक औरत होने के नाते मैं तुम्हारा दर्द समझ पा रही हूं। हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा, हम हैं ना। हाँ रतन, हम तुम्हारे साथ हैं। देखो, हम वादा करते हैं कि राम को हम सही रास्ते पर ले आएंगे, वादा करते हैं। नहीं भैया, ये एक पत्नी की लड़ाई है, ये मेरी लड़ाई है, इसे मुझे खुद लड़ना होगा। रतन, और मैंने तुम्हारे दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। हाँ भाभी जी, अब तो बहुत ही हो गया, प्लीज उसे माफ कर दीजिए ना। माफ तो मैं उन्हें बहुत पहले कर चुकी हूँ, वरना उनकी जिंदगी से कब की चली जाती। मैं तो सिर्फ उन्हें ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि जिंदगी में सच्चे प्यार की अहमियत क्या होती है। हुण ते माफ कर दो परजाई जी। हाँ, लेकिन एक फाइनल एग्जाम बाकी है।